Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. ओके शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़ सैमसंग के साथ। सैमसंग ने इंडिया में अपने दो नए बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया। इनका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F02S और सैमसंग गैलेक्सी F12। सैमसंग गैलेक्सी F02S जो स्मार्टफोन है इसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग है 8999, दैट इज 9000 रुपए से एक हजमोला कम। और ये जो F12 स्मार्टफोन है इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है इंडिया में 9999, दैट इज 10000 रुपए से एक हजमोला कम। इन दोनों स्मार्टफोन्स की F02S और F12, इन दोनों स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस, फीचर और ये स्मार्टफोन्स दिखते कैसे हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि यार गैलेक्सी S20 फेयर एडिशन जो स्मार्टफोन है इसके 5G वेरिएंट की अनबॉक्सिंग मेरे स्टाइल में हमारे चैनल पे होगी है लाइव। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया टेक्स्ट स्टफ को पूरा देखो और उसके बाद कार्ड में जो लिंक लगा रहा हूं ना उसको जाके क्लिक करना और आराम से आप बैठ के इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस OnePlus Nord SE स्मार्टफोन के बारे में बहुत टाइम से लीक्स वगैरह निकल के आ रहे थे कि यार OnePlus Nord जो स्मार्टफोन है इसका ये स्पेशल वेरिएंट बहुत जल्दी लॉन्च होगा, स्पेशल एडिशन बहुत जल्दी लॉन्च होगा। बट आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि यार OnePlus ने रिपोर्टेडली अपने OnePlus Nord SE स्मार्टफोन को कैंसिल कर दिया। वो कह रहे हैं कि यार OnePlus Nord 2 आएगा, OnePlus Nord सीरीज के और स्मार्टफोन आएंगे, Nord SE जो स्मार्टफोन है ये नहीं आने वाला। तो यार कैंसिल होने के बाद भी OnePlus Nord SE जो स्मार्टफोन है लीक से बच नहीं पाया और OnePlus Nord SE स्मार्टफोन की लाइव शॉट्स, इसके बॉक्स की लाइव शॉट्स और फोन की लाइव शॉट्स जो हैं ये लीक हो चुकी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दीज आर द एलिजेड लाइव शॉट्स ऑफ द OnePlus Nord SE स्मार्टफोन एंड द OnePlus Nord SE बॉक्स। डब्बे को छोड़ के और थोड़े से डिजाइन वगैरह को छोड़ के OnePlus Nord SE जो स्मार्टफोन है ये हूबहू OnePlus Nord स्मार्टफोन ही होना था। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि यार इसको लॉन्च करने का ज्यादा मतलब भी नहीं बनता था। आपको क्या लगता है कि OnePlus ने अपने OnePlus Nord SE स्मार्टफोन को कैंसिल करके एक अच्छा डिसीजन लिया या बुरा था ये, कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन हमें बता सकते हैं। और गाइस फेसबुक डेटा लीक, फेसबुक डेटा ब्रीच वगैरह जो है ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में। और यहाँ पे एक नई रिपोर्ट निकल गई है कि यार फेसबुक के 533 मिलियन अकाउंट्स जो हैं ये फिर से लीक हो गए। इनकी जो मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह थी ये लीक हो गई है फॉर फ्री। और इसमें मार्क जी का जो डेटा था, मार्क की प्रोफाइल जो थी ज़करबर्ग जी की, वो भी लीक हो गई। मजा आया लगाओ, मतलब आजकल क्या क्या चीजें हो रही है। फेसबुक इस चीज के रिस्पांस में कह रहे हैं कि यार ये कोई नया डेटा ब्रीच नहीं है, ये 2019 में हुआ था एक फेसबुक का मतलब डेटा ब्रीच वगैरह, ये उसी का डेटा है और हमने अगस्त 2019 में इस चीज को फिक्स कर लिया था। जो भी है जैसा भी है यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि यार इंटरनेट पे प्राइवेसी जो है सीरियसली इन माई ओपिनियन इट्स अ मिथ। और अपना जो आपका डेटा है, प्राइवेट सेंसिटिव डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको बचाना आपकी जिम्मेवारी होना चाहिए। और गाइस एक और टेक की दुनिया में एक और नॉट सो गुड न्यूज निकल के आ रही है। LG ने आज फाइनली बोल दिया है कि यार हम स्मार्टफोन सब नहीं बनाने वाले, हम बाकी मतलब स्मार्ट इकोसिस्टम पे काम करेंगे, बाकी चीजों पे काम करेंगे, उन पे फोकस ज्यादा रहेगा। बट स्मार्टफोन्स की बात करें तो LG ने बोल दिया लाइफ इज गुड, टाटा बाय बाय। अब यार LG के स्मार्टफोन्स जो मर्जी आप बोल लो, इनोवेशन के हिसाब से LG ने बहुत सारे इनोवेटिव स्मार्टफोन भी लॉन्च किए हैं। विंग स्मार्टफोन याद है ना आपको, पंखे वाला, ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स, बहुत सारी टेक जो है LG ने अनवेल की है अपनी मतलब पास्ट की हिस्ट्री में। बट यहां पे LG की तरफ से हो चुका है बाय और LG के स्मार्टफोन्स अब आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलने वाले, एट लीस्ट एज ऑफ नाउ। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। एंड गाइस नोकिया बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है अपना एक नया गेमिंग स्मार्टफोन, नोकिया C20 जो स्मार्टफोन है इसका मॉनिकर कंफर्म हो चुका है ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। आपके भाई ने मुकुल शर्मा के स्टफ लिस्टिंग्स ने नोकिया C20 स्मार्टफोन को भी अब स्पॉट कर लिया, दैट मींस यस बहुत जल्दी ग्लोबल मार्केट में नोकिया C20 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। एंड गाइस Xiaomi लॉन्च करने वाला है अपने Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन को इंडिया में, 23 अप्रैल को ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। बट अभी के लिए थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी Xiaomi का Mi 11 Ultra जो स्मार्टफोन है ये सर्टिफाई हो चुका है, दैट मींस यस एशियन मार्केट में भी हमें Xiaomi का ये जो अल्ट्रा प्रीमियम महंगा वाला स्मार्टफोन है बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस Redmi Note 10 5G जो स्मार्टफोन है इंडिया में तो एज अ पोको स्मार्टफोन आने वाला है बहुत जल्दी, बट लग रहा है कि यार चाइना में ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा वो भी बहुत जल्दी बाय द वे होने वाला है। चाइना में स्मार्टफोन का नाम होगा Redmi 20X। जी हाँ, Redmi 20X स्मार्टफोन का नाम हो सकता है। एक लीक्ड प्रमोशनल पोस्टर जो है ये निकल के आया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। Redmi 20X जो स्मार्टफोन होगा इसकी प्राइसिंग इस पोस्टर के हिसाब से हमें देखने को मिलने वाली है Yuan 999, दैट इज समवेयर अराउंड 12,000 रुपीज। अब लेके चलो इंडिया में तो स्मार्टफोन पोको की ब्रांडिंग
ट्रेंडिंग में आएगा, बट रेडमी 20X जो स्मार्टफोन है ये भी बहुत जल्दी अब लॉन्च होने वाला है। एंड गाइस, OnePlus ने इंडिया में दो नए ट्रेडमार्क फाइल किए हैं। ये जो दो नई चीजें हैं ये बहुत जल्दी हमें इंडिया में देखने को मिलने वाली है। पहले वाले का नाम है OnePlus Life। अब Realme Tech Life आ गया तो यार OnePlus की Life क्यों ना आए, और OnePlus Life करके ये जो नई सर्विस है / एप्लीकेशन है हमें बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाली है। और दूसरा जो ट्रेडमार्क है इसका नाम है OnePlus Pay। OnePlus Pay पिछले साल चाइना में अनवेल हुआ था। अब लेके चलो कि OnePlus की जो पेमेंट सर्विस है ये बहुत जल्दी हमें इंडिया में भी अब देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस, जियो और 5G के बहुत सारे स्मार्टफोन्स इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। प्रिज्यूमेबली ये 5G स्मार्टफोन्स भी होंगे। और यहाँ पे मैंने जियो और लाइफ का एक और नया स्मार्टफोन, इसका मॉडल नंबर है LS5035। अभी के लिए नाम तो नहीं पता चला, बट इसका मॉडल नंबर जो है इसको मैंने इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे अब स्पॉट कर लिया। दैट मींस यस, जियो और लाइफ का एक और नया स्मार्टफोन, आई होप ये 5G स्मार्टफोन होगा, ये भी बहुत जल्दी अब इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, वीडियो करते हैं खत्म, लास्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, यू कैन डू दैट राइट वे। नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाइए, और उसके साथ जो घंटा है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके अच्छे से डिवाइस पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइस, वीडियो करते हैं खत्म Realme के Narzo 30 स्मार्टफोन्स के साथ। स्मार्टफोन्स इसलिए बिकॉज़ Realme Narzo 30 जो फोन है ये 4G 5G दोनों वेरिएंट्स में लॉन्च होगा। और आज की वीडियो में Realme Narzo 30 जो स्मार्टफोन है इसके 4G वेरिएंट को मैंने Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे कर लिया है स्पॉट। और Geekbench की अगर हम माने तो Narzo 30 4G स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलेगा एक MediaTek Helio G95 प्रोसेसर, साथ में 6GB रैम होगी। Android 11 आपको डब्बे से निकालते ही Realme Narzo 30 स्मार्टफोन के 4G वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। और स्कोर्स की बात करें तो Realme Narzo 30 स्मार्टफोन के Geekbench स्कोर्स में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ओके, इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। क्या आप बेंचमार्किंग स्कोर्स पे भरोसा रखते हैं कि नहीं? 50% लोग कह रहे हाँ, 50% लोग कह रहे नहीं। तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आया, मतलब मिक्स यहाँ पे फीलिंग है आप लोगों की। और गाइस, आज की वीडियो का पोल सिंपल सा है। LG क्विट कर रहा है अपने स्मार्टफोन बिजनेस को, बट क्या आपने लाइफ में कभी भी LG का एक स्मार्टफोन यूज किया है कि नहीं? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए, सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। सो गाइस, ये थी आज की शाम की टेक्स्ट स्टफ। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर से टेक्स्ट स्टफ के एक लीक से भरे हुए एपिसोड में। टिल देन, खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद। 29 So good news, okay. Me 20X, okay. Ye 4G 5G.